गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आर डी एंड यू आर वॉचिंग कार टेक। आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी की नई कार एक्सेल 6 के सामने। अर्टिगा का क्रॉसओवर वर्जन है ये। 11 लाख से प्राइस स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल अल्फा ऑटोमेटिक की कीमत है 13 लाख रुपए। ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्रंट क्रोम ग्रिल, फुल LED हेडलैम्प्स आएंगे विथ LED फॉग लैम्प्स एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स। लोअर बम्पर पर आपको ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग है ये कार। ये वाइट कलर देख रहे हैं, इसके अलावा पांच और कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव एलॉय व्हील डिज़ाइन है। व्हील आर्चेस पे आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिल जाएगी और साइड में क्रोम स्ट्रिप। 4.4 मीटर लेंथ है इस कार की और 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में, टर्न इंडिकेटर के साथ। ऊपर रूफ रेल्स और एंटीना मिलेगी। डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी। पैसिव एंट्री के साथ आती है ये कार। विंडोज़ पे ब्लैक सराउंड मिलेगा जो इस कार को प्रोवाइड करता है स्पोर्टी लुक। काफ़ी ब्लैक बिट्स का यूज़ हुआ है और ये शार्प क्रीसेस। आइए अब देखते हैं कार की रियर प्रोफाइल। काफ़ी अट्रैक्टिव एंड स्पोर्टी लुक है रियर का। वर्टिकल डिज़ाइन में आपको LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स मिल जाते हैं। टेल गेट पे ग्लॉस ब्लैक की फिनिश मिलेगी। नीचे रिफ्लेक्टर और सेंसर्स आएंगे और ये स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। टेल गेट पे आपको क्रोम इंसर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रियर वाइपर और वॉशर के साथ आती है ये कार, ये एक्सेल 6 की बैजिंग। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। ये टोइंग हुक और कार की एग्जॉस्ट टेल पाइप। आइए अब कार की बूट को ओपन करते हैं। मैनुअल रिलीज मिलेगी आपको इसमें। 209 लीटर्स की बूट स्पेस आएगी और लोड कवर के नीचे आपको हिडन स्पेस मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल बूट है इस कार का। 6 सीटर क्रॉसओवर है ये। 50-50 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती हैं आपको और इजीली लीवर यूज़ करके आप फोल्ड कर सकते हैं सीट्स को। हर सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए बॉटल होल्डर मिलेंगे और ऊपर AC की प्लेसमेंट। आइए बूट को क्लोज कर देते हैं। और ये है कार की फ्यूल लिड, यहाँ से भरेंगे पेट्रोल। 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिलेगी आपको इस कार से। फंक्शनल रूफ रेल्स मिल जाते हैं आपको इस कार में ग्रे कलर में। फ्लैट टॉप है और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी आएगा। आइए अब चलते हैं रियर पैसेंजर सीट्स पे। काफ़ी वाइड ओपनिंग मिलेगी आपको डोर से। फुल ब्लैक फिनिश है डोर पे। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और ये पावर विंडो का कंट्रोल। नीचे आपको बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी थोड़ी बहुत स्पेस के साथ। कुछ ऐसे दिखती है रियर सीट्स। ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री आएगी। इंडिविजुअल सीट्स मिल जाते हैं आपको। काफ़ी कंफर्टेबल रियर सीट्स हैं। सीट पे आपको स्टिचिंग भी मिल जाती है ब्लैक कलर की। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सारी सीट्स पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। आइए अब चलते हैं कार के अंदर। काफ़ी स्पेसियस कैबिन है। सीट के पीछे पॉकेट मिलेंगे। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है इस कार में। और ये ग्रैब हैंडल्स, बोथ साइड्स पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगी। ये AC के वेंट्स कंट्रोल्स के साथ। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट की प्लेसमेंट मिलेगी विच इज़ नॉट एन LED। कुछ ऐसे दिखती है फ्रंट के डैशबोर्ड रियर सीट से। 3-स्पोक डिज़ाइन में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और स्कल्प्टेड डैश डिज़ाइन है।
नी रूम भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ से इजीली रियर सीट्स पे मूव कर सकते हैं। डायमेंशन में अर्टिगा से थोड़ी लंबी है ये कार। और अब चलते हैं फ्रंट पैसेंजर सीट्स पे। ये पैसेंजर साइड डोर की लुक, ग्रे कलर की इनलेस रन होती है डोर पे, जो इस कार को देती है प्रीमियम लुक, काफ़ी नाइस डिज़ाइन में। सारे इनसाइड डोर हैंडल्स आपको क्रोम में फिनिश मिलेंगे। और ये पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट सिमिलर टू अदर डोर्स, कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट की सीट्स, काफ़ी कंफर्टेबल फ्रंट सीट्स साइड बोल्स्टर एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। आइए अब चलते हैं कार के अंदर। यहाँ पे आपको सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऊपर लाइट की प्लेसमेंट कंट्रोल के साथ, और ये सनग्लास होल्डर, काफ़ी स्लिक रियर व्यू मिरर मिल जाता है आपको। और डैशबोर्ड पे इनलेस रन होती है अक्रॉस द होल डैश। ग्लोव बॉक्स भी आपको डिसेंट साइज़ का मिलेगा। ये कार की मैनुअल, कंटिन्यूस डिज़ाइन में एसी के वेंट्स मिल जाते हैं आपको, सिमिलर टू दोज विच यू सी ऑन ऑडी कार्स। और ये सेंटर कंसोल, ग्रे कलर की आउटलाइन मिल जाती है आपको यहाँ पे। आइए अब चलते हैं ड्राइवर साइड सीट्स पे। और ये डोर हैंडल्स पे आपको की स्लॉट और रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और ये डोर्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको सेम ट्रीटमेंट मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स और लॉक अनलॉक करने का बटन, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट स्टॉप का बटन और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और ये कार की पेडल्स, और ये कार की फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर। आइए अब चलते हैं कार के अंदर। यहाँ पे आपको काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन में स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मारुति सुजुकी की लोगो आएगी, और काफ़ी सारे कंट्रोल्स लाइक ऑडियो कंट्रोल बटन्स, वॉइस कमांड के बटन, फ़ोन एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के बटन आएंगे। कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर और डिजिटल ओडोमीटर के साथ आएगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ TFT डिस्प्ले, जो दिखाएगी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस लाइक लो फ्यूल वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंसप्शन एट्सेट्रा। और यहाँ पे आपको मिल जाती है हैजर्ड लाइट की बटन, और ये वुडन इनलेस जो रन होती है अक्रॉस द डैश ऑफ द कार, काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जूरियस लुक प्रोवाइड करती है। ये हेडलाइट के कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आएगी इस कार में। और ये है 7 इंच का टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सपोर्ट करेगा एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ एंड नेविगेशन। ड्राइवर साइड सनवाइज़र पे वैनिटी मिरर नहीं मिलेगी, यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है आपको। और ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB ऑक्स केबल मिलेगा। ये ट्विन कप होल्डर्स थोड़ी बहुत स्पेस के साथ, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा इस कार में, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। और ये है कार की मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है आपको, जो कि एडजस्टेबल है। आर्मरेस्ट के अंदर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये कार आती है ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा विथ सेंसर्स, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग फीचर्स के साथ। आइए अब चलते हैं एक अमेजिंग ऑटोमोबाइल फैक्ट की तरफ। सुपरकार पगानी हुयारा में 1400 टाइटेनियम के बोल्ट्स यूज होते हैं, जिसकी कंबाइंड प्राइस है 80 लाख रुपीज़,
Isn't this sounds crazy? I hope you enjoyed our video. Do like, comment, share and subscribe to our channel. And turn on your notifications to get notified when we make a new upload. Thanks for watching.